फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम तरई की सब्ज़ी रेसिपी के बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमने हाफ के जी तरई लिया है, जिसे हमने छिलकर अच्छे से धुलकर और राउंड शेप में काट लिया है। इसके बाद दो आलू को साफ करके छील के अच्छे से काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। हरी मिर्च को हमने लंबे लंबे पीसेस में काटा है। थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ली हुई है और एक प्याज को हमने काट लिया अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने की विधि देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने गैस को ऑन कर लिया है। अब इसमें हम सरसों का ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। सरसों का ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए हम सरसों का ऑयल ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा, लगभग 2 टेबल स्पून। अब इसमें हम तड़का ऐड करने से पहले थोड़ा सा इसे गर्म होने देते हैं। तो इसमें हम कुछ मूँगफली की कलियों को रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो जाने देते हैं। ऑयल से भाप आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम मूँगफली के दाने को डालेंगे और इसे मीडियम या लो फ्लेम पे ऐसे ही हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा रेड हो जाइए। फ्रेंड्स, में मूँगफली भून लिया, थोड़ी देर से रेड हो गया। अब इसे निकाल कर अलग कर लेंगे और इसमें हम तड़का ऐड करेंगे। तड़के में 1 टेबल स्पून जीरा। 1 टेबल स्पून जीरा के बाद हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है सब्ज़ी में। इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, लगभग 1/2 टेबल स्पून। इसके बाद हम थोड़े से राई के दाने ऐड करेंगे, वो भी लगभग 1/2 टेबल स्पून। तो ये सारे तड़के ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत अच्छी हो जाती है सब्ज़ी। ये तड़का हमारा रेड हो जाए, इसके बाद इसमें हम कटी हुई लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। तड़का रेड हो गया, अब इसमें हम कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। तो बस ये रेड हो जाए, इसके बाद इसमें हम कटा हुआ हरा मिर्च ऐड करेंगे। ये भी थोड़ा सा भून जाए, इसको इसमें हम कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। थोड़ा सा रेड होने देते हैं, थोड़ा सा ये रेड हो जाए। इसी के साथ हम कटा हुआ आलू ऐड कर देंगे और इसे भी भून लेंगे। थोड़ा सा लगभग 40-50% के आलू भून के टाइम पकता है। आलू का भी अच्छा नहीं चला, इसलिए भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तरह की सब्ज़ी बनाने बहुत ही आसान है और खाने में बहुत अच्छी होती है। सब रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ अच्छे भी खाइए। ये सारी चीज़ का बहुत अच्छी होती है। इसे भी लगभग 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इसे जब तक हमारा आलू भून रहा है, कभी इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं और दूसरे भून लेते हैं। मसाले में सबसे पहले हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। हमने हरा मिर्च कम ऐड किया था। फ्रेंड्स, कश्मीरी मिर्च लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ, ये कलर अच्छा देता है, तीखा ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून सब्जी मसाला ऐड करेंगे। जितने मसाले डालेंगे फ्रेंड्स, इसे भी हम आलू और बाकी सब्जी के साथ भून देंगे, अभी कच्चा नहीं चला जाए। इसे हम जलाने जैसा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ताकि ये मसाले हमारे भून जाए और इनमें कच्चा बन ना रहे। फ्रेंड्स, इसमें हल्का सा पानी डालेंगे हम मसाले को भूनने के लिए। मसाला अच्छे से भून रहा है। अब इसे हम कटा हुआ तरई ऐड करेंगे, इसे पिछले मनुआ भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऐड कर ले रहे हैं। अब इसके लिए हम सब्जी साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सब्जी मसाले से मिक्स करने से पहले हम इसमें सबसे पहले नमक ऐड करेंगे। तो नमक फ्रेंड्स हम 1/2 टेबल स्पून दे रहे हैं। अपनी इच्छा अनुसार नमक को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे मेरे साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे करके। तो फ्रेंड्स, तरई की सब्ज़ी बनानी बहुत ही आसान होती है और ये हरी सब्ज़ी है तो हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। फ्रेंड्स, इन सबको मिक्स कर लेंगे। सब्जी और मसाले को हमने मिक्स कर लिया। फ्रेंड्स, अभी सब ढक देंगे और ढककर इसे हम पानी को छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, तरई में हम पानी अलग से नहीं ऐड करेंगे क्योंकि तरई खुद ही पानी छोड़ता है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, इसे ढककर हम लगभग 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे और मीडियम फुल फ्लेम पे बीच बीच में से चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे होने देते हैं।
चार से पाँच मिनट हो गए, इसे फुल कर देते हैं फ्रेंड्स। ये कैसा हुआ फ्रेंड्स, देखिए ये पानी छोड़ रहा है खुद ही, ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है फ्रेंड्स। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही पका रहे हैं, इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम चला कर फिर से ढक्कन छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये पूरी तरह से पानी छोड़ दे। पाँच से छः मिनट हो गया फ्रेंड्स, फिर से हम खोल कर देखते हैं। देखिए ये पानी छोड़ रहा है, अभी हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ऐसे ही देखेंगे, आलू को चेक करते हैं, आलू बाकी नहीं तो फिर देखिए आलू मरक फूट रहा है, यानी कि आलू पूरी तरह से पक रहा है। इसे हम फिर से पाँच से छः मिनट के लिए ऐसे ढककर छोड़ देंगे, ताकि ये सब्जी हमारी पूरी तरह पक्का रेडी हो जाए। इसे हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, अब इसे फिर से ढक देते हैं। फ्रेंड्स ये पक रहा है, इसे पकने देते हैं पाँच से छः मिनट के लिए। चार से पाँच मिनट हो गया, अब सब्जी को ओपन करके देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए सब्जी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, इसने पूरी तरह से पानी छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें हम कटा हुआ हाफ लेमन ऐड करेंगे, जिसे हमने पहले से काट के रखा था। ये इसके स्वाद को काफ़ी बढ़ा देता है, लगभग हाफ लेमन लिया है मैंने। इसमें हल्का सा निचोड़ देंगे और इसे मिक्स करके ढक देंगे, हम ढककर छोड़ देंगे पाँच मिनट के लिए से ही, उसके बाद सर्व करेंगे इसे। पाँच मिनट इसलिए ढककर छोड़ देते हैं ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर हमारी रेसिपी में कुछ आपको अच्छी लगी या बुरी लगी तो आप कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स, और हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स इस हमने पूड़ी के साथ सर्व कर लिया है और इसमें हमने मूँगफली के दाने ऐड कर लिए हैं। फ्रेंड्स मूँगफली के दाने आप तभी ऐड करें जब आपको सर्व करना हो, उससे पहले ना करें, तो वो नरम हो जाएगा, उसका क्रंचीपन चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स।